हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं हूँ पीआर भारती और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसको अंग्रेजी में दोस्तों वर्क एनर्जी पावर कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इसका हम लोग पार्ट वाइज पार्ट हम लोग क्लास को देखेंगे और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है ना दोस्तों, उस सभी न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति में दोस्तों सबसे पहले हम लोग कार्य को पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, कार्य का पहले आप डिफिनेशन जान लीजिए कि कार्य आखिर कहते किसको है। तो आइए दोस्तों, कार्य का डिफिनेशन जानेंगे। कार्य का डिफिनेशन कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उसमें दोस्तों बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। दोस्तों फार्मूला डिफिनेशन से तो ही दोस्तों फार्मूला निकल के आता है। फार्मूला हो गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। और इसका दोस्तों एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। हाँ दोस्तों, इस फार्मूला का उपयोग हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में थीटा का मान दिया हुआ, जब क्वेश्चन में थीटा का मान दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में थीटा का मान दिया हुआ ना हो, सिर्फ अगर इस तीनों में से किसी दो का मान दिया हुआ रहेगा, एक का मान पूछेगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर थीटा का मान दिया हुआ हो तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आगे दोस्तों देखिए कि वर्क का ना कार्य का डाइमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है और वर्क का कार्य का हम लोग डाइमेंशन को बीमा को कैसे निकालेंगे। वाइए दोस्तों, सबसे पहले जानिए आपकी एफ जो है बल, वो बल का फार्मूला क्या होता है। तो बल का फार्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए मास गुना एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स। आइए दोस्तों, एफ का मतलब हो गया एम इंटू ए और यहाँ पर एस यानी कि विस्थापन और विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। और दोस्तों एक बात ध्यान देना है आपको कि बीमा निकालने के लिए MLT का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? MLT का, जहाँ M हो गया आपको द्रव्यमान, L हो गया आपका लेंथ यानी कि लंबाई, T हो गया आपका समय। देखिए दोस्तों, यहाँ जो M आया है, M यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? द्रव्यमान के लिए लिखेंगे M। आइए, यह एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। और यहाँ क्या है? ये मीटर है, तो मीटर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एल का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, एम गुना एम जो मीटर है, वो मीटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? लंबाई का। और सेकेंड है, इस सेकेंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? टी का। तो सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे टी के स्क्वायर।
और गुना में एल है तो एल। आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा एम गुना एल में एल से गुना करेंगे तो एल स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर इसको दोस्तों आपको अगर सजा के लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एम को एम लिख सकते हैं, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ जो ये बट्टा में आया है ना, इसको बट्टा पर से हमको हटाना है और इसके साथ लिखना है तो इसके पावर को ना प्लस है तो माइनस में चेंज कर देंगे, यानी टी का पावर हो जाएगा माइनस दो, यानी कि वर्ग के कार्य का बीमा हो गया दोस्तों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ई हो गया आपका कार्य का बीमा। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और कार्य का अगर आपसे सीजीएस मात्रक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सीजीएस में मात्रक आपसे पूछा जाए तो इसका होता है दोस्तों अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और कभी कभी दोस्तों सवाल ये भी पूछा जाता है कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो दोस्तों एक जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर होता है दोस्तों 10^7 अर्ग। दोस्तों आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कार्य जो है वह कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य जो है दोस्तों वह अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। और कार्य के फॉर्मूला में दोस्तों W बराबर हम लोग लिखे थे F इंटू S। अगर इसमें दोस्तों पूछा जाए आपसे कि F यानी कि बल कौन सी राशि है, तो बल दोस्तों सदिश राशि है। अगर आपसे पूछा जाए S यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों S से डिनोट किया जाता है, और इसको हिंदी में दोस्तों विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन भी कौन सी राशि है? तो विस्थापन भी दोस्तों है ये भी सदिश राशि, यानी कि विस्थापन भी सदिश राशि और यहाँ पर बल भी सदिश राशि, और सदिश राशि और सदिश राशि को गुना करते हैं दोस्तों तो प्राप्त होता है अदिश राशि, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों हो गया, सॉरी दोस्तों कार्य का ना राशि हो गया दोस्तों कौन सी राशि? तो कार्य हो गया अदिश राशि। हाँ दोस्तों, कार्य से संबंधित जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, उस न्यूमेरिकल प्रश्न को भी हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।